नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कमरक की लौजी बनाएंगे। कमरक की लौजी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। कमरक स्वाद में खट्टी होती है, तो लौजी स्वाद में खट्टी मीठी बनकर के तैयार होगी। तो आइए कमरक की लौजी बनाना शुरू करते हैं। कमरक की लौजी के लिए हमने 250 ग्राम कमरक लिए हैं। ये कमरक है 2 टेबल स्पून तेल, 1/3 कप चीनी यानी कि 75-80 ग्राम चीनी ले लेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। तो कमरक की लौंजी बनाने के लिए सबसे पहले हम कमरक को काट करके तैयार करेंगे। कमरक के हम दोनों तरफ के डंठल निकालेंगे काट करके, और जो कमरक की ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये हम जो डार्क लाइन है उसके ऊपर से हल्का सा छील करके निकाल देंगे। क्योंकि ये बहुत हार्ड पार्ट होता है तो ये खाने में उतना अच्छा नहीं लगता। और कमरक को हम 1/2 सेंटीमीटर मोटाई में इसके गोल टुकड़े कर लेंगे। सारे कमरक इसी तरीके से काट कर तैयार करने हैं। ये सारे कमरक हमने काट के तैयार कर लिए और अब हम इनकी लौंजी बनाएंगे। तो पैन गरम कर लेते हैं। पैन में तेल डाल देंगे। तेल गरम होने पर जीरा पाउडर डालेंगे, और जीरा पाउडर की जगह जीरा भी डाला जा सकता है। हींग डाल देंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और मसाले को हल्का सा भूनेंगे। कमरक डाल देंगे, नमक डाल देते हैं, मिर्ची पाउडर भी डाल देते हैं और कमरक को इसी तरीके से चलाते हुए 1-2 मिनट भून लेते हैं कि कमरक के टुकड़ों के ऊपर मसाले की कोटिंग अच्छे तरीके से आ जाए। कमरक के टुकड़ों के ऊपर मसाले की कोटिंग आ गई है और अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और कमरक को ढक कर के 2-3 मिनट पकने देंगे। इसके बाद चेक करें, 3 मिनट हो गए हैं और अब हम इनको चेक कर देंगे। तो कमरक को हम चला देंगे और दूसरा हल्के से दबा कर देखें कि कमरक हल्के से नरम हो जाए। तो कमरक हल्के से दब रहे हैं यानी कि वो हल्के नरम हो गए हैं। और अब हम कमरक में ये चीनी डाल देंगे, सौंफ पाउडर डाल देंगे और गरम मसाला भी डाल देंगे। और अब कमरक को फिर से हम ढक करके 2 मिनट पका लेते हैं और फिर चेक करते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं, चला देंगे। और अब हम लौंजी को खुले ही 2-3 मिनट तक और पकने देंगे ताकि जो लौंजी में ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। 4 चाशनी काफ़ी गाढ़ी दिख रही है। हमारी लौंजी बन करके तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और लौंजी को प्लेट में निकाल लेते हैं। कमरक की लौंजी बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छी कमरक की लौंजी बनी है और कमरक की खट्टी मीठी लौंजी को चपाती, पराठे
या पूरी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। कमरक की लौंजी को फ्रिज में रख करके एक सप्ताह तक खा सकते हैं। आप कमरक की लौंजी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।